देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। झांसी की खनन माफिया यहां के ग्रामीणों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। आलम यह है कि अवैध खनन और ब्लास्टिंग के चलते गरौठा तहसील के एक दर्जन से ज्यादा गांव के लोग दहशत में जीने को मजबूर है। ब्लास्टिंग करने वाले कारोबारी अधिक मात्रा में विस्फोटक सामग्री का उपयोग कर जिला प्रशासन और खनन विभाग के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। खुलेआम हो रही इस अवैध ब्लास्टिंग के पत्थरों से बेजुबान जानवर तो मर ही रहे हैं, साथ ही गांव के लोग घायल हो रहे हैं। मामला जिला झांसी की तहसील गरौठा अंतर्गत आने वाला नुनार, चौकरी, खेरो, सिरवो, हैवतपुरा, चंद्रपुरा, हबूपुरा सहित एक दर्जन गांवों का है, जहां पर अनेकों प्रेशर रहते हैं और वहां मौजूद खदानों एवं पहाड़ियों में अधिक मात्रा में विस्फोटक सामग्री का उपयोग कर पत्थर तोड़े जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव आसपास के गांव में रहने वाले ग्रामीणों पर सीधा पड़ रहा है। ग्रामीणों की माने तो यहां पर कुछ प्रेशर वाले खनिज विभाग के जिले इलाही के आशीर्वाद से खदन का पट्टा के अतिरिक्त अन्य जगह से दिन रात अवैध खनन कर रहे हैं। आए दिन होने वाली शिकायतों की सुर्खियों में रहने वाले दबंग क्रेशर हीरा लाल स्टोन की शिकायत लेकर कुछ महिला एवं पुरुष विगत तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में रविंद्र कुमार जिलाधिकारी झांसी की शरण में पहुंचे थे और अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी। शिकायती पत्र में ग्रामीणों ने लिखा था कि हीरा लाल स्टोन क्रेशर के मालिक द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में विस्फोटक सामग्री का उपयोग किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े पत्थर उछलकर घरों के ऊपर गिरते हैं, जिनसे कई बार लोग चोटिल भी हुए हैं। विस्फोट इतना भयानक होता है कि आसपास बने सभी मकान हिल जाते हैं। विस्फोटक सामग्री से आसपास के पशु पक्षी भी शिकार हो जाते हैं। कुछ दिन पहले हीरा लाल क्रेशर द्वारा किए गए विस्फोट से घबराए गायें गहरे गड्ढे में गिर गई थी, जिससे 112 पुलिस द्वारा जाकर निकाला गया था। विगत कुछ दिनों पहले खदान में होने वाले विस्फोट से मंदिर की छत भी क्षतिग्रस्त हो गई थी तथा दहशत के कारण वहां चल रहे कन्या भोज में भगदड़ मच गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीणों के द्वारा शासन प्रशासन से अनुरोध करते हुए कहा गया कि सरकार द्वारा तय की गई उचित मात्रा में विस्फोटक सामग्री का उपयोग किया जाए, जिससे उनकी जान माल की सुरक्षा बनी रहे। हरीलीला स्टोन क्रेशर द्वारा ज्यादातर गाड़ियां बगैर नंबर प्लेट के NR चलाई जाती है। अभी कुछ दिन पहले पूर्व उप जिलाधिकारी गरौठा ने डस्ट की रॉयलिटी पर गिट्टी भरे हुए एक डंपर को पकड़कर कार्रवाई की गई थी। देखिए अनिल कुमार शर्मा की। क्या नाम है भैया आपका? अनिल कुमार। कहाँ के निवासी हो? ये जो पीछे खदान है इतनी गहरी है, इससे क्या नुकसान होते हैं? नुकसान ब्लास्टिंग होती है, पत्थर मकान हिल जाते हैं, बड़े रेत भी जाते हैं। किसकी खदान है ये? हरीलीला। तो इस संबंध में कोई शिकायत हुई थी अभी पिछले तहसील दिवस पर? हाँ हुई थी। यहाँ कोई अधिकारी आए हैं, कोई जांच की है? कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया है। यहाँ के जो आसपास जानवर और पशु पक्षी होंगे उनको भी नुकसान पहुँचता होगा? नाम है दादा आपका? हमारा नाम सुशांत त्रिवेदी है। कहाँ के निवासी हैं? नार के हैं। ये जो बड़ी बड़ी खदानें हैं इनमें ब्लास्टिंग होती है, क्या नुकसान होता है इससे? इसमें पूरे गांव के मकान हिल जाते हैं, बड़े अरे अरे सब टूट गए हैं, लेंटर भी जो है क्रैक हो गए हैं। हाँ, बहुत बड़ा नुकसान है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो इस संबंध में शिकायत वगैरह अभी कुछ दिन पहले जिलाधिकारी झांसी को की गई थी, कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है? अभी नहीं हुई है। अच्छा, किस उसकी खदान है, कौन से क्रेशर की? हरीलीला। हरीलीला की। क्या नाम है अम्मा आपका? है? नाम का है? नन्नी। कितने की रहने वाली हो? इतनी चौकरी के। चौकरी के। क्या समस्या है आपकी? आपकी जो समस्या है कि पत्थर आते हैं हमारे घर। हाँ। तो बूढ़े आदमी है हम। हाँ। भगनी पाव टट्टी खा जा सब धमकी दे के ना कनाता के काकू तुम भगो के ना भगो। कहाँ से आते पत्थर? वहाँ से आओ तो उनकी, अब हमें खदान को नाव नहीं आ रहा। अच्छा, तो क्या ये ब्लास्टिंग वगैरह होती है यहाँ पर? हाँ, ब्लास्टिंग हो क्रेशर वगैरह से। क्रेशर पे होते है। पता नहीं है किसकी खदान है? उनकी है, अब हम उनको नाव नहीं आ रहा। बता, क्या नाम है दादा? चिंतामन। कहाँ के निवासी हो? चौकरी। क्या समस्या है आपकी? पत्थर आयो साहब। कहाँ से आते हैं पत्थर? बता दो। हरीलीला। हरीलीला नहीं, कहाँ से? खदान से आते हैं? किससे आते हैं? खदान से। हाँ, तो इससे क्या समस्या होती है आपको? घर मकान फूटा तो क्या होते हैं? खाना खाने ना खाना खा पाए, सब्जी अब्जी में ब्लास्टिंग। गांव वालों ने किसी ने शिकायत की है उसकी? शिकायत की गांव वालों ने? नहीं करी गांव वालों ने, करी शिकायत। कौन कार्रवाई भाई? नहीं भैया, अभी तक कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई हमारी। नहीं।
राहुल राहुल।